सेक्स वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और ऊपर से परमेश्वर क्या बोलता है, देख ले बेटा देख ले, जिस दिन तेरी आयु के दिन पूरे हो गए उस दिन तुझे मैं आग से नमकीन करूँगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को, तूने मेरे वचनों को मजाक में लिया, हल्के में लिया है। ऊपर तब तुझे बताता हूँ, ये जो पृथ्वी है मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर के कहर से, उसके क्रोध से कांपती है, थरथराती है। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक विचार करते रहोगे, कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? मैं हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ कि पाप मत करो भैया, व्यभिचार मत करो, बुराई मत करो, सेक्स वीडियो मत देखो। क्यों आप ऐसा काम करते हो? याद रखना, यदि आप ऐसा काम करते हो, पाप करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। जब परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग दे देगा, सेठ में स्वर्ग दे देगा, और तुम पाप भी करोगे और परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग भी लेकर चला जाएगा। ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। जहाँ पर यीशु मसीह रहता है मेरे प्रियजन, ध्यान से वीडियो को देखें, वह जगह पवित्र है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुम सोचते हो मैं पाप भी करूँगा और मैं स्वर्ग भी चला जाऊँगा, नो, आप गलत हो। बाइबल बताती है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। सिर्फ एक ही मनुष्य था और वो है यीशु मसीह, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसको लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, गालियां दी, बेइज्जती सहा, दर्द सहा उसने। मेरे प्रियजन, उसके दर्द को महसूस करो। आप सेक्स वीडियो देखते हो, गुप्त रीति से छिप कर अपने मोबाइल में दूसरों का नंगापन देख रहे हो। बहुत से ऐसे मसीही पड़े हुए हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं। वे कहते तो हैं मैं तैयार हूँ, मगन के दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, वही सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। इसलिए समय है, मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ, समय है भैया, सुधर जाओ, लौट आओ। परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। कब तक पाप करते रहोगे? अंत है इन सब पापों का मेरे प्रियजनों। बाइबल बताती है जो मनुष्य, जो मसीह परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, उसके राज्य का उस कभी अंत नहीं होगा। इसलिए हमें लौट आना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, ताकि परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है कोई मेरे पापों को क्षमा करे, गुनाहों को क्षमा करे। इसलिए हमें लौट आना है, रोते हुए चिल्लाते हुए परमेश्वर के पास अभी लौट आइए। अभी समय है, अभी वक्त है, समय चला जाएगा, वक्त चला जाएगा, तो आप उस समय क्या करोगे, क्या करोगे उस समय मेरे प्रियजनों? इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बेहद ही जरूरी है। अरे आप बोलते हो यहाँ मर जाएंगे, यहाँ इंसान मर जाता है, कुछ नहीं होता। याद रखना, ये पहली मृत्यु है, दूसरी मृत्यु परमेश्वर देगा जो सहनशीलता से बाहर होगी। पहली मृत्यु यहाँ होती है, दूसरी मृत्यु नर्क की आग है जो आग और गंधक से जलती रहती है, जिसको परमेश्वर ने बोला है दूसरी मृत्यु। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पापों पर जय पाएगा, विजय पाएगा, उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। मगर आज हमारे मसीह भाई बहनों तो जाग ही कहाँ रहे हैं, वो तो पाप विचार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, यही सब कर रहे हैं। चले समय ही लौटो, पश्चाताप करो। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, छोटे संदेश के द्वारा प्रभु से बात करेगा, आपके मन को बदलेगा। जय मसीह की, गुड लक।